जोहार नमस्कार, आज सभी को स्वागत है और एक मज़ेदार वीडियो में। आज का वीडियो कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज का वीडियो मैं हिंदी में बोलने जा रहा हूँ, हिंदी में डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ। अगर कुछ मिस्टेक हो, हिंदी प्रोनाउंसिएशन इतना अच्छा नहीं आता, अगर कुछ मिस्टेक हो तो कृपया मुझे माफ़ करें। कारण मैं कुछ आदिवासी ट्राइब से बिलोंग करता हूँ और हिंदी बोलना मेरे लिए थोड़ा सा कठिन हो सकता है, फिर भी आप लोगों के लिए मैं हिंदी में ट्राई करने वाला हूँ। और विशेष करके एक जगह हमने चुना है जहाँ पर एक क्या बोलते हैं वो मधुमक्खियाँ मिलता है। ऐसे ही वातावरण कुछ हमें इधर पे देखने को मिला है। यहाँ पर मधुमक्खियाँ अभी रह नहीं सकते, कारण ग्लोबल वार्मिंग, डिफॉरेस्टेशन सभी चीज़ों के कारण मधुमक्खियाँ इधर उधर नहीं रह सकता। तो वो मधुमक्खी एक जगह में है, एक मनुष्य के घर में है, और वहाँ पर घुस कर वह अपना कमरा, वह अपना रूम, वह अपना घर बनाया है। तो फिलहाल अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अब हम मिलेंगे उस मधुमक्खियों के घर में। तो चलिए, ये सब कर चीज कर पा रहे हैं बना के। आगे बता नहीं जाओ। तो यहाँ पर फिलहाल हम पहुँच चुके हैं मधुमक्खियों के घर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं बहुत ज़्यादा मधुमक्खियाँ यहाँ पर जमा हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं गोल्डन कलर, ब्राउन कलर, ब्लैक हेड, ये बहुत डेंजर होता है। अगर एक भी इसका जो जहर होता है बीनते हैं वो अगर हमारा बॉडी में लग जाए तो बहुत आसार होता है। स्वेलिंग आप शूट करते हैं है? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हजार हजार मधुमक्खियाँ जमा हैं। और चैनाटिकल हजार हजार मधुमक्खियाँ यहाँ पर जमा हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये लोग, फिलहाल ये लोग कुछ नहीं करेंगे, कारण इसे मैं भिड़का नहीं रहा हूँ, इसे प्यार से छू रहा हूँ। यहाँ इसे देखिए, इधर पे देखिए, इधर से आप देख सकते हैं ये लोग। यहाँ पर जो है अंदर में अभी ये लोग हनी दिया नहीं है, सीजन ख़त्म हो गया है। विंटर सीजन जब ये फूल फूलता है तब ये हनी लेते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं इधर पे, यहाँ पर हजार मधुमक्खियों के बीच में तीन टाइप का मधुमक्खियाँ होता है। विशेष वर्कर्स उन लोगों को डिफाइन करता है जो लोग काम करते हैं। यहाँ पर वर्कर्स हमें देखा जाए तो लेडीज़ बी को वर्कर्स कहा जाता है और ड्रोन कहा जाता है, सेकंड ड्रोन। जो मेल बी होता है वो सिर्फ उसका काम सिर्फ रानी के पास रहते हैं, और थर्ड है रानी, क्वीन बोलते हैं। वो सिर्फ उसके रहने से ही मधुमक्खियाँ इकट्ठा होंगे। अगर वो यहाँ पर नहीं रहे, यहाँ से चले गए, तो ये सारा मधुमक्खियाँ यहाँ से भी चले जाएगा, कारण मेन सोल क्वीन होता है। तो फिलहाल अब यहाँ पर रस वगैरह है ही नहीं इन लोगों का, कारण ये जो मौसम है अभी इन लोगों के लिए रस भरने का मौसम नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ओ भाई, हमने देखा है मोर्चे हटे, ओ भाई यहाँ पर देखो मेरे हाथ में गद गया पूरा, इतना ज़्यादा। क्वीन को हम देख नहीं सकते, कारण क्वीन बहुत भीतर में है। अगर हम देखने की कोशिश करें तो क्वीन हमको चटका देगा। इधर उधर हाथ घुसा कर देखता हूँ फिलहाल क्या करेंगे। इन हाथों को यहाँ से यहाँ तक मैं घुसाने वाला हूँ। तो
फिलहाल देखिए। इधर पे नहीं जा रहा है, कारण वो तो पूरा ब्लॉक हो गया है ना, उधर पे पूरा ब्लॉक कर दिए ये मधुमक्खियाँ, पूरा ब्लॉक कर दिया। ये जो इसका घर है ये अभी वाइट हो गया है, इधर पे आप देख सकते हैं ये वाइट हो गया है, कारण इसमें अभी रस नहीं रहा, जब सीजन आएगा तब रस हो गया यहाँ पर। ये विशेष करके 6 कॉन्टिनेंट में ज़्यादा मात्रा से पाए जाते हैं, परंतु एक ही कॉन्टिनेंट है जहाँ पर मधुमक्खियाँ नहीं मिलता, वो है अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। वहाँ पर मधुमक्खियाँ मिलने के लिए बहुत कठिन होता है, कारण वहाँ पर ठंड बहुत है और मधुमक्खियाँ ठंड से नहीं रह सकते, इसलिए वो लोग ऐसा जगह चुनते हैं जहाँ पर गर्मी मिले उन लोगों को। यहाँ पर देख सकते हैं बोगा White. यहाँ पर रस नहीं है, अब ये पूरी तरह से वाइट हो गया है यहाँ पर। होने आदमी उनको दिखा देखो वीडियो को। हुई ना कि वीडियो ना, यहाँ पर सूख गया है पूरी तरह से ये वाइट वाइट। हेलो पॉज कर दे, जूम कर दो, जूम ना कर सामने कर दे, ले ये ला ना टुकड़ा ना टुकड़ा। हाँ फिलहाल यहाँ पर नहीं है, ये देखो वाइट हो गया है, सूख गया है पूरी तरह से, इसका सीजन अब नहीं रहा। पूरा सीठा, सॉल्टी भी नहीं है स्वीट भी नहीं, क्या करे, बाप रे। चीनी पानी को डाल के चीनी पानी को डाल के खाना पड़ेगा, तब भी ये मीठा लगेगा। भूख तेरी नहीं, पूरा अंदर घुस नहीं रहा है, कारण इसमें पूरा बांध है भीतर से। यहाँ पर आयन लगा हुआ है, ये इतना ठंड भी नहीं होता है ठंड के दिन में, इसलिए ये लोग यहाँ पर कब्जा किए हैं, यहाँ पर इन लोगों का घर बनाने के लिए। और ये जो है घर, यहाँ धान रखा जाता है, भंडार बोलते हैं हमारे भाषा से, भंडार बोलते हैं। गर्मी भी नहीं ज़्यादा, ठंड भी नहीं। बगा 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 पूरा ब्लॉक। और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये जो चीज है ये मधुमक्खियों के लिए बनाया गया है, वहां से हम शायद रख सकते हैं इन लोगों को पकड़ कर यहाँ पर, यहाँ पर रानी को घुसा देते हैं, और यहाँ से वो लोग हैं जो अपना छत बना लेते हैं और रास को इकट्ठा करते हैं, और उसके बाद हम मनुष्य इन रासों को लेकर खाते हैं। ये जो चीज़ है ये 1 2 3 4 5 5 घर है, यहाँ पर रास इकट्ठा होता है यहाँ पर रख देने से। फिलहाल अभी ये ख़राब हो चुका है, अभी तो कुछ कर नहीं सकते, ये तो आप लोगों ने देखा हमारा वीडियो जो कि वेस्ट मधुमक्खियों के बारे में था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर जरूर करना। तो फिर ऐसा ही वीडियो, मज़ेदार वीडियो, ऐसे ही एडवेंचर वीडियो
आपको अगर पसंद लगता है, अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अगर आप चाहते हैं तो मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर ज़रूरी अपडेट्स मैं देता रहूँगा। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ऐसा वीडियो, मज़ेदार वीडियो, एडवेंचर वीडियो में। तब तक के लिए जोहार, जय हिंद, जय भारत।